आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं, तो इस क्रिकेट टीम का इमरान खान कौन है? मैं हूं यार, और कौन? और मियादाद कौन है? शान शान मियादाद है, वेरी गुड बैट्समैन। और बूम बूम आफरीदी, जो चल जाए वही आफरीदी है। और इसके लिए पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, वेलफेयर के बड़े काम किए। अच्छा, सैलाबज़दा खान के लिए किया, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए किया, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए किया। शौकत खानम हॉस्पिटल के डोनर्स की लिस्ट है, उसमें हमारी टीम का नाम लिखा हुआ है। अरे वाह। फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री में वेलफेयर फंड बनाया, जो मुस्तहिक लोग होते थे उनको हम लोग डोनेशन देते, तो उसमें मेरा भरपूर साथ दिया खालिद भट्ट साहब जो हमारे आर्टिस्ट थे उन्होंने, तो मिल मिला के काम किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा रहा वो सिलसिला। क्या बात जी, क्या बात। अच्छा, ये टीम किस साल बनी थी, और कभी विलियन 11 के साथ मैच हुआ, कोई यादगार मैच? यस, यादगार मैच ही बहुत हुए हैं, बहुत सारे हुए। हम लोग नेशनल टीम के साथ मैच खेले। अच्छा। यस, पीटीवी से लाइव टेलीकास्ट हुआ था, दो मैच हुए थे, कराची एक लाहौर। जनरल तौकीर ज़िया साहब उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे। अरे, तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे नेशनल टीम के साथ, और हमने चार आउट भी कर लिए थे उनके। अरे वाह वाह वाह। जब आपने चार आउट कर लिए नेशनल टीम के, और उसके बाद उन्होंने आपकी खूब ढिलाई की, तो क्या मोहम्मद अली साहब ने बाउंड्री से आवाज लगाई, ये किसने मारे हैं छक्के, क्यों मारे हैं ये छक्के, कहां मारे हैं ये छक्के? नहीं, हमने चार आउट किए तो किसी ने ड्रेसिंग रूम में जाकर कहा, अली भाई नेशनल टीम के चार आउट किए हमारे आर्टिस्टों की टीम में, ये तुक्का लग गया इन लोगों का। मैंने कहा खुदा दा वास्ता हमारी मेहनत है, आप करें तुक्का लग। अच्छा, अली भाई के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो अपने हम उम्र को भी कहते थे चंडा, आपके साथ उनका कैसा था रख रखाव? मुझे हमेशा बेटा ही करके बुलाया, वो बेटा ही कहते थे सब। अच्छा। प्यार मोहब्बत से, लेकिन एक तो होता है जबानी कलामी के ना, लेकिन उन्होंने बेपना प्यार दिया मुझे। हाँ। बेपना मोहब्बत दी उन्होंने मुझे, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह। हमने ट्रैवल भी किया साथ, कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग इज़ ए ग्रेट एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो आप कुछ बहुत कुछ लर्न करते हो, बहुत पता लगता है एक दूसरे का, तो बहुत बहुत अच्छे। नहीं नहीं, मैंने बादशाह सलामत के साथ ट्रैवल किया था, तभी तो मुझे पता लगा था ये पानी के तालाब वाला बादशाह सलामत है। आधा पानी चढ़ गया, आधा बाहर आ गया।